माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा ऑफिस संबंधी कार्य को ध्यान में रखते हुए एमएस ऑफिस पैकेज डिज़ाइन और डेवलप किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने 97 से स्टार्ट किया 97 ऑफिस पैकेज, जिसके बाद 97 के जस्ट बाद उसने 2000 लॉन्च किया। 2000 के बाद 2003 मार्केट में आया, 3 के बाद 2007, और इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के नए वर्जन्स मार्केट में आते गए। उपयोगिता की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा ही कहीं ना कहीं अपडेट किया है अपने सॉफ्टवेयर में, और मार्केटिंग लेवल की यदि बात लेकर के चलें तो अपने आप में वर्चस्व कायम किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और जो मार्केटिंग उसकी है उस पर परिपक्व भी रहा, परिणाम भी प्रदान किए हैं। अब 2003 के बाद 7 जो वर्जन इसका लॉन्च हुआ ऑफिस पैकेज के, इसके अंतर्गत मेन्यू सिस्टम्स को हटा दिया और काफ़ी कुछ अपडेट किए। उसमें ग्राफिक्स की बात करें तो अपने आप में नया है। 2007, 10, 13 और इसके आगे के जितने भी वर्जन्स हैं ग्राफिकली मोड पर उपयोगिता की दृष्टि में अपने आप में काफ़ी कुछ लिए हुए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 2007 की, तो 2007 को सीख लेने के बाद हम इसके अन्य वर्जन पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से शुरुआत में लेकर के चल रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करना देखते हैं, तो इसके लिए आप सर्च बार पर टाइप कर सकते हैं वर्ड, और वर्ड में ही जब माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज आपके सिस्टम में डला होगा तो यहाँ पर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यदि 3 है तो 3 भी आ जाएगा, तो हम 2007 की बात कर रहे हैं, जिससे ऑफिस पैकेज का पहला पाक एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। वर्ड उपयोगिता की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहाँ पर वर्ड की उपयोगिता नहीं हो। वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है और इसके माध्यम से जो फाइलें बनती हैं वो डॉक्यूमेंट फाइलें क्रिएट होती हैं। अब बात कर रहे हैं हम 2007 की, तो 2003 को भी चलाना वैसे आसान था, और 7 के अंतर्गत मेन्यू सिस्टम और जो शॉर्टकट्स थे उन दोनों का मिक्सअप तैयार कर दिया गया, यानी कहीं पर मेन्यू का प्रादुर्भाव भी है तो कहीं उसके शॉर्टकट्स का भी है। चलिए हम इसके ऑप्शन से देखें, तो सबसे पहले जो मेन्यू आ रहा है वो होम है ऐसे, लेकिन इसके भी साइड में फाइल मेन्यू दे रखा है जिसको आइकॉन के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। वहीं पर 2003 के अंतर्गत मेन्यू सिस्टम के अंदर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इस प्रकार के मेन्यू सिस्टम्स दिए गए थे। चलिए इसका फाइल मेन्यू जिसे होम के अंतर्गत इसमें दर्शाया गया है या ऑफिस बटन के अंतर्गत दर्शाया गया है उसको हम देखते हैं। इसमें न्यू से नई फाइल ले सकते हैं, ओपन से पुरानी फाइल को खोल सकते हैं, सेव से फाइल को सेव कर सकते हैं, और सेवर से उसे अन्य वर्जन में भी सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, दूसरे लोकेशन से भी सेव कर सकते हैं। कई बार स्थिति ये आती है कि हमारे पास 2007 है लेकिन हम जिस व्यक्ति को कहीं फाइल पहुँचाना चाह रहे हैं उसके पास 2003 है या उससे पुराने वर्जन है, 97, 2000 या 2003 है, तो यहाँ पर ऑफिस 2007 ये ऑप्शन देता है आपको कि 97 या 2003 में से कोई सा भी ऑप्शन आप में आप सेव कर सकते हैं ताकि वो फाइल वहाँ पर ओपन हो जाए। ठीक है, यहीं पर हमने पीडीएफ और एक्सपी का भी ऑप्शन है, इसमें भी आप सेव कर सकते हैं, या अदर फॉर्मेट की भी सुविधा एमएस ऑफिस 2007 आपको देता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि 2007 जो फाइल का निर्माण करता है वो करता है DOCX, जबकि 2003 या इसके पुराने वर्जन हैं वो फाइल का निर्माण करते हैं DOC। तो हमें किस वर्जन में करना है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली देता है। ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें किसी भी फॉर्मेट में आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं सेवर से, तो ये एक अच्छा इसका फीचर्स है। यानी 2003 की अपेक्षा 2007 को जब अपग्रेड किया गया तो उसके अंतर्गत फाइल फॉर्मेट को भी अपडेट किया गया, जिससे अलग अलग फॉर्मेट में आप फाइल को सेव कर सकते हैं। प्रिंट के माध्यम से आप यहां से प्रिंट निकाल पाएंगे, प्रिंट में भी
डायरेक्टली प्रिंट है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, इसको 2003 में भी दिया गया था, लेकिन वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट को अलग अलग फंक्शन में दिया गया था। प्रिपेयर के अंतर्गत यहाँ पर प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं फाइल को, है ना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड देख करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जिससे ये होगा कि थोड़ी सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इसमें दे रखी है, प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं, तो ये प्रिपरेशन के अंतर्गत है, जबकि 2003 के अंदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी और प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया था। सेंड से आप ईमेल के माध्यम से या PDF फॉर्मेट में आप इसको मेल कर सकते हैं, हैं पब्लिश ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आप चाहें तो इसको वेब पेज के रूप में यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं और क्लोज से फाइल को बंद कर सकते हैं। चलिए, तो ये होम बटन या ऑफिस बटन था जिसे हम 2003 के अंतर्गत फाइल मेन्यू के माध्यम से समझते हैं। अगला आता है होम, हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं, क्योंकि एमएस वर्ड बेसिक्स है, लेकिन कुछ जो चीज़ें इसमें एडवांस रहेगी उसको हम थोड़ा सा डिटेल लेकर के चलेंगे, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो फाइल मेन्यू अधिकतर सभी को कहीं ना कहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर जो अलग रहेगी तो हम उस पर थोड़ा डिटेल पर जाएंगे। चलिए, हम होम को इसको समझते हैं। तो यहाँ पर होम में कॉपी पेस्ट दिया गया है, जो भी डेटा आपका है, आप जिसे भी डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी कॉपी ऑप्शन है, जहाँ पर भी हमें पेस्ट करना होता है वहाँ एंटर करके कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट ये बेसिक से ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन लग दे रखा है, वो है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर की बात करें तो कई बार हमें आवश्यकता होती है, उदाहरण के तौर पर हमने कोई डेटा जिसकी फॉर्मेटिंग कर दी, उसका मैं कलर भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डेटा है और कोई अन्य डेटा, थोड़ा सा मैं इसको अंडू करता हूँ, हम पहले वाले डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी हम इसका कलर कर देते हैं, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। अब हम कोई दूसरा डेटा टाइप कर रहे हैं जो नॉर्मल तौर पर है, इसका जो फ़ॉन्ट वगैरह है ये सेम हम यही करना चाहते हैं जो भोपाल का है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक करेंगे, यानी ये क्या करता है, ये बाकी के ऑप्शन जिस प्रकार से कॉपी करता है, उसी प्रकार ये फॉर्मेटिंग की कॉपी करेगा। तो इस फॉर्मेटिंग की हमने कॉपी की और किस पर लागू करना उतने डेटा पर सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग, जो कलर, लेआउट, स्टाइल, फॉन्ट इस भोपाल का था, वही हमारे नीचे का डेटा का हो गया। यानी कुल मिलाकर की बात ये आती है कि फॉर्मेट पॉइंटर किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है, न कि डेटा की। चलिए, तो ये एक अलग ऑप्शन इसमें था जो उपयोगी भी हैं। इसी में क्लिपबोर्ड व्यूअर भी आता है, क्लिपबोर्ड व्यूअर के बारे में पूछा भी जाता है कि क्लिपबोर्ड व्यूअर क्या है। तो क्लिपबोर्ड व्यूअर, उदाहरण के तौर पर कोई भी डेटा आपने कॉपी किया, यहाँ से उदाहरण के तौर पर मैंने भोपाल को कट किया है, कॉपी करते हैं, मैं कट कर लेता हूँ, ये कट किया। अब ऐसी स्थिति में डेटा कहाँ गया, कहीं आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट में है नहीं, तो वो डेटा उस समय के लिए जब भी आप कट या कॉपी करते हैं तो यहाँ से मूव होकर के क्लिपबोर्ड में चला जाता है। आप जब क्लिपबोर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि वो डेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसे आप क्लिक करके भी अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में जब चाहे जितनी बार चाहें ला सकते हैं। लेकिन ये सब टेम्प्री होता है, यदि आपने इसके बाद फाइल को बंद कर दिया तो फिर ये डेटा भी चला जाएगा। टेम्प्री रूप से जब भी डेटा कॉपी या कट करते हैं तो वो ऑफिस क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अब ये ऑफिस क्लिपबोर्ड का शॉर्टकट भी होता है, जो कभी कभार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड को शॉर्टकट से लाने के लिए कंट्रोल प्लस W होता है, जिसे आप प्रेस करके और इसे शॉर्टकट से ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे ये फॉन्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट यहाँ से दे रखे हैं, जो भी फॉन्ट आप लेना चाहें हिंदी इंग्लिश के, वो फॉन्ट आप लागू कर सकते हैं, साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना भी आप साइज चाहें, यहाँ से भी साइज आप बढ़ा सकते हैं। ये शॉर्टकट दिया गया है 2007 के अंतर्गत। फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, जिस प्रकार से यहाँ पर अभी हमने फॉर्मेट पॉइंटर देखा था, सेम इसी प्रकार ये फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है, वहीं पर क्लियर फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेटिंग लागू की है, अब हमें नहीं पता था कि नॉर्मल केस था, नॉर्मल फॉन्ट में लागू कर देगा, यानी जो भी फॉर्मेटिंग किया, जो साइज बढ़ाया, सब कुछ ख़त्म करके डेटा को डिलीट नहीं करता है, उसकी फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता है, ये कहलाता है फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगला, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन आप कर सकते हैं,
अंडरलाइन की स्थिति यहाँ पर दे रखी है, किस प्रकार के आपको अंडरलाइन चाहिए। वर्ड के अंतर्गत 2003 के अंतर्गत डायरेक्टली शॉर्टकट में ये नहीं दे रखा था, लेकिन 7 के अंतर्गत इन्होंने एडवांस किया। कलर वगैरह को भी यहीं पर दे दिया, जो भी कलर आप अंडरलाइन का लेना चाहते हैं वो इसमें ले सकते हैं। स्ट्रिक खींच सकते हैं, स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आप लागू कर सकते हैं। इससे आपको 12th लिखना है तो बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे TH को सुपर स्क्रिप्ट में लेता है, ये MS वर्ड की विशेषता है। लेकिन 12th की जगह आप RT लिखना चाहते हैं, सॉरी ये इस प्रकार का लिखना, और DF को आप सब सुपर स्क्रिप्ट में ले जाना, तो सिलेक्ट करेंगे उतनी डेटा को, ये ध्यान रखना है, और क्लिक कर देना सुपर स्क्रिप्ट को। सब स्क्रिप्ट लेके जाना, जैसे हम लिखते हैं O2, तो 2 को हमें सब स्क्रिप्ट लेना है, तो सिलेक्ट करेंगे 2 को ओनली और सब स्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार सेम लेटर और ये शॉर्टकट के रूप में दिए, वहीं पर इसमें 2003 के अंतर्गत फॉर्मेट मेन्यू में दिया गया था, तो यहाँ पर आप सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, ये कई बार पूछा जाता है टॉगल केस, तो टॉगल केस पे पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल होता है। तो हम कुछ भी डेटा टाइप कर लेते हैं, पहले तो हमने डेटा टाइप किया, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं केस पर, केस में हमने सेंटेंस केस रखा तो बी को कैपिटल कर देगा बाकी स्मॉल रखेगा। लोअर केस में सब लोअर होते हैं, इसके बाद अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे, कैपिटल में कैपिटल आ जाएगा, और टॉगल में पहला स्मॉल बाकी कैपिटल आ जाएंगे। इसकी आवश्यकता हालांकि नॉर्मली लगती नहीं है, लेकिन फिर भी दे रखा है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बैक डेटा या टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो जिस कलर से करना है वो कलर आप ले सकते हैं हाईलाइट, जिसे बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं टेक्स्ट का, वो लागू कर सकते हैं। और बैकग्राउंड सॉरी फ़ॉन्ट का कलर यदि करना है आपको, जैसे इस फ़ॉन्ट का कलर करना है, तो सिलेक्ट करेंगे ये फ़ॉन्ट कलर दे रखा है, जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मेटिंग लेआउट दे रखें, साथ ही साथ जो फॉर्मेट मेन्यू में 2003 में दे रखा था उसको यहीं पर एरो के अंतर्गत डिफाइन कर दिया गया है। फॉन्ट जिसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं, आउटलाइन वगैरह आपको लेना है तो वो आप ले सकते हैं, देख पाएंगे। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद एरो को क्लिक करते हैं, यहाँ से हम ये आउटलाइन वगैरह सब ले पाएंगे, इसमें एम्बॉस वगैरह कर पाएंगे, तो ये इफ़ेक्ट एक्स्ट्रा इफेक्ट आप इस पर डाल सकते हैं, तो ये एरो में दे रखे हैं। इस प्रकार से 2003 को की अपेक्षा 7 को काफ़ी एडवांस किया गया। आगे के अगली वीडियो में हम इसके पैराग्राफ की प्रत्येक सेटिंग को देखेंगे। साथियों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे के वीडियो आपको अपने स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।